तो गाइस फाइनली क्लैश एट दी कैस्टल इवेंट एंड हो चुका है। रोमन रेंस एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच हमें जो मैच देखने को मिला, क्या कमाल का मैच था। मैच को देखकर मजा आ गया, काफ़ी क्लोज मूवमेंट्स थे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि आखिर इस मैच को जीतेगा कौन। सबको लग रहा था कि फाइनली ड्रू मैकइंटायर न्यू चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए आए सोलो सिकाओ। मैंने आपको बताया था कि ब्लड लाइन में बहुत जल्द वो ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका अनएक्सपेक्टेड हमें रिटर्न टाइप या फिर डेब्यू देखने को मिला, जहाँ उन्होंने आकर रेफरी को बाहर खींच लिया जब ड्रू मैकइंटायर ने क्लेम और किक लगा दी, और इसी का फायदा उठाकर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और रोमन रेंस स्पीयर लगाते मैकइंटायर को पिन करते हैं, और इस तरीके से रोमन रेंस स्टिल अपने दोनों टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। और मैच के दौरान हमें कैरियन क्रॉस भी रिंग साइड पर देखने को मिलते हैं, जो कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ रोल नहीं था। इसके अलावा थ्योरी भी कैश इन करने का ट्राई करते हैं, लेकिन टाइसन फ्यूरी ने पंच मारकर सेट कर देते हैं। और ओवरऑल यहां पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि पूरे तरीके से क्राउड सपोर्ट कर रहा था मैकइंटायर को, और वह सब वेट कर रहे थे कि फाइनली ड्रू मैकइंटायर न्यू चैंपियन बने, लेकिन ऐसा नहीं। और एक बार फिर से रोमन रेंस ने किसी तरीके से अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है, और अब सोचा भी नहीं जा सकता कि भाई रोमन रेंस से टाइटल लेगा कौन, और क्या WWE स्टिल दोनों टाइटल रोमन रेंस के पास ही रखेगी या फिर WWE कुछ और ट्राई करने वाली है। इसके अलावा फीड के रिटर्न को लेकर बातें चल रही थी, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। फीड का रिटर्न फिलहाल तो नहीं हुआ, लेकिन देखते हैं भाई फीड का आखिर अपना रिटर्न कब करते हैं। और गैस बस ये वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी, तो इस वीडियो को लाइक की बना तो कहीं मैं जाना, और साथ ही साथ आप कर सकते चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन कौन तक कि आपको हमारे चैनल पर से WWE से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।